एमपी में भारी बारिश अपना रूप दिखा रही है। नर्मदापुरम संभाग में लगातार हो रही बारिश से नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खुलने पड़े। बताया गया कि सुबह करीब 5 बजे पहले 7 गेट 5-5 फीट तक खोले गए थे, साथ ही निचली बस्तियों को अलर्ट रहने को कहा गया था। वहीं बारिश की वजह से इटारसी में बाढ़ की स्थिति बन गई। न्यू यार्ड डबल स्टोरी, वैशाली नगर, बूढ़ी माता, पुरानी इटारसी, देवल मंदिर इलाके में पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। SDM, तहसीलदार के अलावा स्थानीय अधिकारी और पुलिस बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक तवा डैम समय से पहले ही लबालब हो गया। 1159.18 फीट लेवल होने पर सुबह गेट खोलने पड़े। लगातार पानी बढ़ने से 4 घंटे बाद 2 गेट और खोले गए। डैम के 9 गेट 10-10 फीट तक खोले गए हैं, जिसमें 3949 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जा रहा है। बताया गया कि पिछले साल से 2 महीने पहले गेट खोल दिए गए हैं। तवा डैम के कैचमेंट एरिया पचमढ़ी, पिपरिया, बैतूल में हो रही बारिश और सारनी डैम के गेट खुलने से तवा बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। वहीं नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इटारसी पहुंचकर अति वर्षा से प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।